एक एस्पिरेंट ये नहीं सोचता कि वो इतने टफ कंपटीशन में तैयारी कैसे करेगा बल्कि वो ये सोचता है कि टेक्स्ट बुक से प्रिपरेशन करके एग्जाम कैसे क्रैक करेगा क्या आप भी एक एस्पिरेंट हैं और आपके अंदर भी पठान जैसा जोश और जज्बा है तो इस छह और सात फरवरी को हम आपके लिए लेके आए हैं ब्लॉक पोस्टर सील जहां आपको मिलेगी सभी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफ बुक सुपर कोचिंग में आपको मिलेगी लाइव क्लासेस स्टडी नोट्स पीडीएफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मॉक टेस्ट टेस्ट और सीरीज इतना ही नहीं आप जीत सकते हैं पठान मूवी के टिकट्स हर घंटे अरे भाई पढ़ाई से ब्रेक भी तो लोगे ना

गोविंद प्रिया नितिका रीमू अमेरिकन प्रीति ओके और रेनु भी हैं ओके विकास गुड इवनिंग अब जो लोग आते जा रहे हैं सभी को गुड इवनिंग है आगे चलते हैं होमवर्क क्वेश्चन की तरफ होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं गुड इवनिंग पूजा गुड इवनिंग मोहित जाऊ गुड इवनिंग चलो सभी को गुड इवनिंग है ऑप्शन वन चेक कर रहे हैं इक्वल टू का अर्थ क्या है भाग है ठीक है तो डिवाइड बाय टू माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है प्लस का मतलब इक्वल टू है सिक्स प्लस क्योंकि लेस देन का मतलब क्या है योग है ठीक है बारह और डिवाइड का मतलब है घटाना ठीक है दो आठ और दो सोलह और ये कितना हो जाएगा अठारह माइनस दो सोलह हो जाएगा यही आंसर सही आ रहा है आंसर किसने दिया है ओके okay. साइट पर ही चेक कर लेते हैं आई I मीन mean, यूट्यूब पर ए विल बी करेक्ट आंसर ठीक है ए नाइस क्लास थैंक यू अखिलेश प्रीति ने कहा है ए श्रेया ने कहा है ए रेणुका ने कहा है ए ए ए और ए चलो ठीक है माया गोला रीमू ने सब ने आंसर दिया है रेणुका ने भी दिया है चलो बहुत बढ़िया सभी लोगों ने इस आंसर को बहुत अच्छे से दिया आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन गुड इवनिंग रौनित गुड इवनिंग सपना गुड इवनिंग शाद खान नहीं सुबह सच में नहीं किया था आपको बारह बजे तक ऐसे खड़ा रखें और आपको चिलवाए आपको तब पता चलेगा आराम से बैठ के तो कोई भी बोल सकता है बैठ के ज्ञान अपने घर में ऐसा कंबल वगैरह ओढ़ के रजाई ओढ़ के फोन देखते हुए ज्ञान कोई भी दे सकता है चलो क्या पूछा है कौन से विपरीत फलक होंगे हमसे पूछा है और के विपरीत है और वी विपरीत है आई और एल विपरीत है यहाँ पर ओके ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर तीन हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा अगला प्रश्न कितने ट्रायंगल हैं? गुड इवनिंग योगेश गुड इवनिंग राजन गुड इवनिंग विश्वंकर क्लासेस अटेंड करें पहले उसका सिलेबस देखें नोटिफिकेशन देखें उसका फिर उसके बाद तैयारी शुरू करें प्रवेश नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं हमें बताना है एक त्रिभुज में यदि दो पार्ट होते हैं तो उसमें कुल मिलाकर तीन त्रिभुज होते हैं यहाँ पर तीन हो गए यहाँ पर तीन हो गए तीन तीन हो गए छ और इस वाले में भी तीन हो गए तो कितने हो गए नौ नौ हो गए ये वाला दस और ये पूरा वाला ग्यारह कितने त्रिभुज हैं कुल मिलाकर हमारे पास ग्यारह त्रिभुज हैं आगे जाने से पहले बताना चाहूंगी आप लोगों को ब्लॉकपस्ट सेल के बारे में जहाँ पर पाँच सौ पठान मूवी टिकट्स आपको मिल रही हैं एक दिन में अगर आप एम की सुपर कोचिंग परचेज करना चाहते हैं तो इस वक्त आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है दस के ऊपर आपको एटी फाइव परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है यानी कि तीन हज़ार के कोर्स की कीमत अभी सिर्फ है फोर फोर्टी नाइन छः महीने के कोर्स के लिए आपको बस करना क्या है मेरे कूपन कोड नेहा का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर अगर आप आज के दिन लेते हैं सुपर कोचिंग तो आपको मूवी टिकट भी मिल जाएगी पठान की अगर आप लकी विजेता होते हैं तो चलते हैं टेक्स बुक सुपर कोचिंग की तरफ ये हमारी क्लास चल रही है यहाँ आ जाओ अरे आओ भाई चलो यहाँ आ जाओ पहले सेशन को लाइक कर दो सेशन को शेयर कर दो सेवेंटी वन बच्चे हैं ट्वेंटी थ्री लाइक है एकदम बहुत ही गलत बात है ये पहले फटाफट सेशन को लाइक कर दो टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना एम टी एस की सुपर कोचिंग का लिंक आपको यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर तीन और छह महीने के लिए आपको सुपर कोचिंग अवेलेबल है कूपन एक ही लगेगा कूपन क्या है कूपन का नाम है नेहा इसको लगा देना यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा फिर तैयारी शुरू कर लेना एम की यदि अभी तक नहीं की है तो ठीक है चलो आगे चलते हैं हाँ अभी क्या किसको तकलीफ है सविता हम चैप्टर वाइज क्लास शुरू करेंगे हाँ परवेश तब तक आप वेट करिए दस फरवरी को जब आ जाएगा तो नोटिफिकेशन चेक करिए उसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करिए और दस फरवरी तक का वेट नहीं हो रहा है तो प्रीवियस क्या क्या पैटर्न आए हैं इन्हीं एग्ज़ाम्स में वो आप चेक कर लीजिए गुड इवनिंग पूर्णिमा हेलो सागर गुड इवनिंग जयकर गुड इवनिंग किशन मुश्किल से एक मंथ बचा है अच्छा अप्रैल में है ना एग्ज़ाम अभी है वक्त हम खत्म कर देंगे डोंट वरी चलो यहाँ क्या चल रहा है पेंट का कोड दिया है कार्ड का कोड बताना है पार्सल में सी का कोड क्या है एक ए का कोड ए और आर का कोड यहाँ से मिल जाएगा थ्री जीरो टी का कोड यहाँ से मिल जाएगा सिक्स वन थ्री जीरो सिक्स ऑप्शन नंबर दो ठीक है नेक्स्ट अगर आपको ज़्यादा ही टेंशन हो रही है स्वाति तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस जो हैं वो आप देख सकती हैं ठीक है सी आई एस एफ स्टैनो और एच का बता दो क्या बताना है सी एच एस एल का एग्जाम कब है नौ तारीख को है नौ फरवरी नहीं नौ मार्च ठीक है स्वाति नेक्स्ट क्वेश्चन गुड इवनिंग देवेंद्र नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है जल्दी से आंसर करो ओके okay, छह लोग हैं दक्षिण के सम्मुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं ए ई e के दाएं से तीसरे स्थान पर है ए कहाँ है ई e के दाएं से तीसरे स्थान पर सी पंक्ति के किसी एक छोर से चौथे स्थान पर है ठीक है बी जो ए और डी के बीच में है बी जो ए और डी के बीच में है या तो ऐसे हो सकता है या तो ई एक दो एक बी और डी कितने लोग हो गए छह हैं ठीक है आ, बी जो ए और डी के बीच में है टी के बाएं से तीसरा है टी के बाएं से तीसरा अगर आ रहा है इस तरफ नहीं हो पाएगा क्योंकि छह लोग ऑलरेडी हो गए थे तो ये वाला अपना ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा ठीक है आगे इसको बड़ा करके यहाँ बना दे रही हूँ सेम वो डायग्राम है बी क्या है टी के बाएं से तीसरा है टी यहाँ पहला दूसरा तीसरे पे बी आ गया है और डी बाय छोर पर अंतिम है डी बाय छोर से अंतिम पर है ओके okay, तो ये वाला डायग्राम नहीं बनेगा क्योंकि डी अंतिम पर नहीं आ रहा है छह व्यक्ति डी बाय छोर पर अंतिम बाया उस तरफ है सॉरी बाया इस तरफ है सॉरी <coughs> ए <coughs> 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 <Sorry. coughs> e के दाएं से तीसरा है ये तो बाया हो गया दी के दाय से तीसरा है कुछ झोल है इस क्वेश्चन में कुछ तो झोल है दक्षिण समूह खड़े हो गए ठीक है ए ई के दाय से तीसरा है ए ई के दाएं से तीसरा है पहला दूसरा तीसरा सी पंक्ति के किसी एक छोर पर चौथे स्थान से है तो आगे चलते हैं इसको बाद में कंसिडर करेंगे बी जो ए और डी के बीच में है ऐसे आ सकता है बी जो ए और डी के बीच में है टी के बाय से तीसरे स्थान पर है टी का दाया हो गया ये तो पॉसिबल नहीं है डी बाएं छोर पर अंतिम पर है यहाँ पर आएगा आ, 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 आ। बीच में लेना है ना इसको तो डी अगर यहाँ लेते हैं एक दो तीन चार हो जाएगा टोटल कितना है छ हो गया है ठीक है बी अगर उसके बीच में आ रहा है तो यहाँ पे एक मेंबर है यहाँ दो मेंबर है कुछ तो झोल है हिंदी और इंग्लिश में सेम है क्या स्किप कीजिए ठीक है शाद खान आप उसके लिए यही सेशन दे सकते हैं ए इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ ई सी इज़ फोर्थ फ्रॉम ऑफ द एंड बी who is इन बिटवीन ए एंड डी इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ट टू द लेफ्ट ऑफ नहीं आ रहा है डी इज एट द लेफ्ट एंड नहीं आ रहा है क्वेश्चन में झोल है क्वेश्चन स्किप करके हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट तब तक हम दोबारा क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं किसकी फीस कितनी है फ्री में पढ़ा रहे हैं वैसे अभी हम क्या दिया है जैकब कैरोलीन की पैटर्नल अंकल है अच्छा जैकब कैरोलिन के पैटर्नल अंकल है यानी कि पापा के भाई एरन और जैक जिल के भाई हैं ठीक है कैरोलीन सी से है कैसे नहीं है रुक जाओ सी लिखने दो फिर हाँ जिल कैरिन की माँ है जिल, की मा है और यहाँ पे क्या था एरन और जैक जिल के भाई है एरन और जैक क्या है जिल के भाई हैं यहाँ पे बना दिया है मैंने कैरलिन डेविड की पत्नी है कैरलिन डेविड की पत्नी है तो कैरलिन एरन से कैसे संबंधित है कैरलिन एरन की नीज हो जाएगी क्योंकि एरन की बहन जिल जिल की बेटी है कैरलिन तो वो क्या हो जाएगी नीज हो जाएगी ऑप्शन नंबर टू अरे मिटो भैया ऑप्शन नंबर टू ठीक है समझ आ गई बात डॉटर इन लॉ डॉटर देखो एक ही पॉसिबिलिटी है या तो मेरा दिमाग खराब हो गया है या आप लोगों का डिसाइड कर लो किसका हुआ है डॉटर डॉटर इन लॉ पता ही नहीं क्या क्या हो रहा है हाँ यहाँ से ट्राई कर रहे हैं हम लोग डी बाय छोर पर है ठीक है सी पंक्ति के किसी एक छोर से चौथा है एक दो तीन चौथा हो गया यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छ डी यहाँ सी चौथा यहाँ पर आएगा ठीक है दो पोजीशन बन गई हैं ए ई के दाएं से तीसरे स्थान पर है ई यहाँ पहला दूसरा तीसरा ए यहाँ आ जाएगा ए और डी के बीच में बी है तो यहाँ पर आ सकता है बी क्योंकि ये भी बीच में ही हो गया एक स्थान इधर एक स्थान इधर ठीक है और कौन सा बचा है बी टी के बाएं से तीसरा है टी यहाँ पहला दूसरा तीसरा बाया ये हमारा डायग्राम बन गया है क्वेश्चन में झोल नहीं है हमने पॉसिबिलिटी ठीक से नहीं ली थी ठीक है तो यहाँ पर कौन सा सत्य है सी टी और ई e के बीच में है सी टी और ई e के बीच में है सही बात है सी सेकेंड टू द राइट ऑफ बी नहीं है ई इमीडिएट राइट ऑफ टी नहीं है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी इमीडिएट राइट ऑफ सी है लेफ्ट नहीं है सिर्फ पहला वाला सही है ये वाला हो गया है ऑप्शन नंबर वन सही जवाब है ये भी हो गया अब इधर आ जाओ नो प्रॉब्लम प्रिया गुड इवनिंग अमृता क्या हो गया विष्णु प्रियान? दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार

विष्णु प्रियन आराम से बैठकर एक बार चार्ट बनाओ आपका भी सेम आंसर आएगा जो मेरा आया था नीज ही आएगा समझ आ रहा है ओके दैट्स वेरी गुड सिक्स टू सा ट्वेल्व ट्वेल्व थ्री सा थर्टी सिक्स सेवन फोर सा ट्वेंटी एट इंटू थ्री एटी फोर फाइव फोर सा ट्वेंटी ट्वेंटी इंटू फोर एटी ऑप्शन नंबर थ्री सबको बस मल्टीप्लाई करना है ठीक है कौन सा समझाना है वर्कआउट सेंटर कौन सा समझाना है बताओ अभी हम एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे इसमें नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं आपको बीच वाला आंसर आ गया है इसमें सिंगर और डांसर के बीच में पूछा है सिंगर अलग है डांसर अलग है दोनों के बीच जब कोई रिलेशन नहीं निकलता तो हम उसको आइदर और कहते हैं अगर उसमें सम और नो होता है तो दूसरा हो गया फिर पीछे चलते हैं देखो विष्णु साफ लिखा हुआ है कैरलिन कहाँ पर है जैकब इज़ द पेटर्नल अंकल ऑफ कैरेलीन ठीक है तो यहाँ पर पेटर्नल अंकल कैरलीन ये कैरलिन है पापा के भाई हो गए ठीक है एरन एंड जैक आर द ब्रदर्स ऑफ जिल एरन एंड जैक आर द ब्रदर्स ऑफ जिल जिल इज द मदर ऑफ़ कैरलीन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इफ जिल इज द मदर ऑफ कैरलिन एंड एरन इज द ब्रदर ऑफ़ जिल दैट मीन्स कैरलिन इज नीज ऑफ हु एरन डिड यू अंडरस्टेंड दिस पॉइंट इट इज बट ऑब्वियस इन द क्वेश्चन इट सेल्फ अभी और पिछला क्वेश्चन हम नहीं जाएंगे ठीक है सुनो एस डबल एम एन एस डबल एम एन लगाकर देखो आता है या नहीं अब क्या बन रहा है यहाँ पर एन के बाद फिर एन है फिर क्यू है लगा दो यहाँ ठीक है डबल एम से पहले क्या आ रहा है डबल एम से पहले s आ रहा है यहाँ पर क्या बन गया टी एस डबल एम डबल एन क्यू एस टी एस डबल एम डबल एन क्यू एस टी एस डबल एम डबल एन क्यू एस क्या ये चीज़ बन रही है पैटर्न फॉलो हो रहा है हमने कहाँ से शुरू किया जहाँ पर हमें ज्यादा अल्फाबेट्स दिख रहे थे आजू बाजू वहाँ से हमने ट्राई किया ठीक है एम एन एस टी कहाँ पर है एम एन एस टी यहाँ नहीं है यहाँ भी नहीं है ओके okay. लास्ट में हमें क्या चाहिए एस एन चाहिए लास्ट में एस एन ऑप्शन नंबर चार में आ रहा है समझ गए समझ ही गए हो गया ऐसा मुझे लग रहा है आगे चल आगे चलते हैं यस yes. नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार सेशन को शेयर कर दी जो सिर्फ सेवेंटी सेवन बच्चे पढ़ते हैं क्लास में मुझे समझ नहीं आता आप लोग सेशन को शेयर क्यों नहीं करते बच्चों को क्यों नहीं बुलाते फाइव का स्क्वायर एट का स्क्वायर ऐड करो एटी नाइन सेम वे में रिलेटेड बताना है कौन सा ऑप्शन <coughs> कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सॉरी सेवन स्क्वायर फोर्टी नाइन टेन स्क्वायर हंड्रेड ऐड करो वन फोर्टी नाइन दिया है हाँ दिया है ऑप्शन नंबर वन में ही फॉलो हो रहा है ठीक है चलो नेक्स्ट गुड इवनिंग सोना नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फोकस करके आंसर करो अभी रिपीट नहीं करूंगी मैं क्वेश्चन पूरा ही पढ़ लेना ध्यान से अनिल और अभय भाई हैं। अनिल और अभय भाई हैं। ओके okay. स्वाति समीर की पुत्री है और अनिल की बहन है क्या लिखा है स्वाति समीर की पुत्री है और अनिल की बहन है तो समीर तीनों के ही पेरेंट हो जाएंगे अभय की माँ समीर से किस प्रकार संबंधित है अभय की मम्मी जो होंगी समीर से कैसे संबंधित होंगी उनकी वाइफ हो जाएंगी समझ आ रही है बातें तो हां बोल दो नेक्स्ट बहू बहू आंसर आया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लॉजिक चल रहा है इसमें इजी लॉजिक है इसमें तो एकदम इजी एकदम ही इजी गुड इवनिंग राहुल वॉकी विशाल गुप्ता क्लास शुरू होती है शाम को सात बजे हर दिन मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है वीकेंड पे अलग अलग टाइम पे क्लास चलती है बिकॉज दो या तीन घंटे के क्लासेस रहती हैं बट रेगुलर बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे शाम को सात बजे क्लास चलती है गुड इवनिंग मोहित बबलू राजीव अच्छा यहाँ पर क्या चल रहा है आंसर तो किसी का आया नहीं मैंने कहा इजी क्वेश्चन है फिर भी नहीं कर रहे आंसर यहाँ बीस का एडिशन है यहाँ अट्ठाईस का एडिशन है कहाँ पर फॉलो हो रहा है बीस का एडिशन है अट्ठाईस का एडिशन है ऑप्शन नंबर थ्री में फॉलो हो रहा है नेक्स्ट सी एल की क्लास नहीं हो रही है विनीता अभी हम सी एच एस एल की क्लास लेते हैं सी एच एस एल की क्लास हम सुबह मंडे टू फ्राइडे ग्यारह बजे लेते हैं और एम टी एस की अभी रात को सात बजे लेते हैं के का क्या संबंध है जैसे फटाफट आंसर करो देखो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं जे के बाद प्लस का साइन है प्लस का अर्थ भाई है जे क्या है भाई है आर का यहाँ पर क्या है आर क्या है बेटा है टी का बेटा है टी का टी के बाद क्या है मल्टीप्लाई uh, पति टी क्या है पति है के का तो के पत्नी हो जाएंगे इनके बच्चे हो गए हैं तो के जे से किस प्रकार संबंधित है के जे की मम्मी हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट हेलो सौम्या एक बार फटाफट फ़ड़ सेशन को लाइक कर दीजिए लाइक काउंट फिफ्टी एट बहुत कम है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम है उस पर लाइक काउंट और भी कम है बताओ यह भी कोई बात हुई भला हाँ क्या कोड दिया है आई क्यू एस टी एफ जी से आई सात से नौ पंद्रह से सत्रह इक्कीस से उन्नीस आर से टी डी से एफ प्लस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू और प्लस टू ठीक है प्लस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू प्लस टू ऑप्शन वन क्लियर चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी आंसर करो विशाल गुप्ता हर दिन हर क्लास होती है सारे क्लासेस के टाइमिंग अलग अलग हैं आप टाइमिंग यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं सारी क्लासेस होती हैं चाहे इंग्लिश हो जीके हो रीजनिंग हो मैथ्स हो सब कुछ होता है और यहाँ पर टाइमिंग आपको मंडे टू फ्राइडे फिक्स रहते हैं आप चेक कर सकते हैं ठीक है सम प्लांट्स आर वेजिटेबल ऑल वेजिटेबल्स आर विटामिन्स सम विटामिन आर प्लांट्स हाँ सम विटामिन आर वेजिटेबल्स हाँ नो विटामिन प्लांट ये बात तो गलत है क्योंकि ऑलरेडी सम प्लांट विटामिन है पहला और दूसरा सही है कहाँ पर है ऑप्शन नंबर दो पे समझ आ रही हैं चीज़ें समझ आ रही हैं बताओ ओके okay. प्रॉक्सिमिटी का कोड क्या है जेड क्यू टी आर के ए V K O, ठीक है। आह ओह ऐसा मैंने लाइन किया कि I ही उड़ गया। अच्छा, अब ठीक है। P से R, R से T, O से Q, X से Z, plus two, I से K, plus two, M से O, I से K, T से V, Y से A, plus two चल रहा है, ठीक है। इलॉजिकल जो कि के बच्चे बातें करते हैं कभी कभी इलॉजिकल चार और चार ठीक है अब O प्लस टू करोगे क्यू आएगा L प्लस टू बारह चौदह हो जाएगा चौदह हो, हो जाएगा K हो जाएगा क्यू एन एन के कहाँ पर है सिर्फ ऑप्शन नंबर टू में बाकी भी अगर करना है तो कर लेना प्लस टू करके टाइम वेस्ट वगैरह करना है तो कर लेना बाकी आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू एम की प्रिपरेशन कैसे करें रविकांत एम की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर अभी क्लासेस चल रही हैं। इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह वो आप सॉल्व कर लीजिए क्लासेस में देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर की क्लासेस हम लोगों ने ली हैं फिर आ, उसके बाद ये वाले जो रेगुलर सेशन चल रहे हैं ये देख लीजिए थैंक यू अमेरिकन फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए काफ़ी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मैं चाहती हूँ कि आप लोग लाइक कर दें सेशन को जैसे मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो वन का डिफरेंस है एट का है ट्वेंटी सेवन का है सिक्सटी फोर का है वन क्यूब टू क्यूब थ्री क्यूब फोर क्यूब फाइव क्यूब इज वन ट्वेंटी फाइव तो वन फिफ्टी फाइव प्लस वन ट्वेंटी फाइव जीरो एट टू टू एटी ऑप्शन नंबर चार ठीक है बोलो समझे शेयर कर दिया वेरी गुड रविकांत हेलो सैयद मुझे भी देखना पड़ेगा रुको मैं देखकर बता रही हूँ विशाल विशाल अगर आप एम की तैयारी कर रहे हो सात बजे रीजनिंग की क्लास होती है मैं भी जो क्लास ले रही हूं आठ बजे मैथ्स की क्लास होती है नौ बजे जीके जीएस की क्लास होती है दस बजे इंग्लिश की क्लास होती है ठीक है ठीक है चलो अब ये आंसर देख लेते हैं हमें समझ नहीं आता है ठीक है हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको समझाने की बाकी जिसको टाइमिंग नहीं पता ये टाइमिंग देख लो ठीक है एस के बाद मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई का अर्थ है पिता तो एस क्या हो जाएंगे पिता हो जाएंगे एम के एम के बाद डिवाइड है डिवाइड का मतलब भाई है भाई क्या हो जाएगा किसका यू का भाई हो जाएगा यू के बाद प्लस है यू क्या है बहन है किसकी, L एल की फिर मल्टीप्लाई का साइन है एल क्या हो जाएंगे पिता हो गए हैं जेड के जेड के बाद माइनस है जेड बेटा है किसका आई का तो आई क्या हो जाएगी एल की पत्नी हो जाएगी तभी तो उसका भी बेटा होगा बोलो हाँ ठीक है अब <laughs> एल आई से कैसे संबंधित है साफ दिख रहा है एल आई का पति है चलो आगे चलते हैं आप ऐसे नोटिफिकेशन चेक कर सकती हैं विनीता जी यही एक कष्ट है जीवन में हम एक चीज बताने लगते हैं फिर बच्चे क्लास छोड़कर वही सब पूछने लगते हैं हमें पता नहीं कि बच्चों के साथ क्या किया जाए क्या ही करूं अभी बोलो मैं को आगे आंसर सारे फेसेस होंगे डोंट वरी माला और लाली बहने हैं माला और लाली बहने हैं महेश देव के पिता हैं ठीक है गार्गी माला और देव की माँ है गार्गी कौन है माला और देव की माँ है माला यहाँ है लाली यहाँ है देव यही होंगे ठीक है देव यही होंगे अभी जेंडर नहीं पता जेंडर हटा देते हैं देव और महेश देव के पिता हैं, गार्गी अगर महेश और एक सेकेंड महेश देव के पिता हैं, गार्गी माला और देव की माँ है ठीक है गार्गी अगर माला की माँ है देव की भी माँ है और बोला है महेश देव के पिता हैं तो गार्गी और महेश आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे महेश के पिता लाली से किस प्रकार संबंधित होंगे महेश के पिता लाली के दादाजी हो जाएंगे पेटर्नल ग्रैंडफादर ऑप्शन नंबर तीन ठीक है नेक्स्ट <laughs> नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आंसर करो डिग्निटी का कोड बताना है ऑसम awesome का कोड क्या दिया है वन फाइव फाइव वन सिक्स फोर फाइव पोजिशनल वैल्यूज लिखो लिख ली लिख ली पांच एज इट इज है ये पाँच एजेट इज है ये एक एजेट इज है ठीक है दो प्लस पाँच दो प्लस तीन पाँच नौ प्लस एक दस फिर से ऐड करो तो वन आ जाएगा फाइव प्लस वन सिक्स थ्री प्लस वन फोर ठीक है डिजिट सम करना है जब तक सिंगल डिजिट नहीं आती बोलो समझे चार नौ सात ऐसा ही रहेगा नौ ऐसा ही रहेगा ये चौदह है ये बीस है ये पच्चीस है तो ये सात होगा ये दो होगा ये पांच होगा ऑप्शन नंबर एक होगा नेक्स्ट <coughs> सिलेबस नहीं मिली अगर आप एसएससी की जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ लेती तो सिलेबस आपको मिलती क्योंकि सिलेबस एस वाली देती आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ती आपको सिलेबस नहीं मिलती ओके यहां पे क्या चल रहा है ऑस्ट्रिच और ईगल क्या है ऑस्ट्रिच और ईगल दोनों बर्ड्स हैं वैसे ही काउ और एलिफेंट दोनों हैं नेक्स्ट एक कंफ्यूजन है पूछो दो कंफ्यूजन पूछो बट बाकी बच्चे पहले सेशन को लाइक कर दो फिर हम आंसर करेंगे जल्दी सेशन लाइक कर दो <laughs> <laughs> कौन से नंबर बदल दू जल्दी बताओ बी आंसर आया है पिछले वाले का भी बी ही था या अभी तक पिछले वाले का ही दे रहे हो आंसर हेलो सचिन वन सिक्स वन एट प्लस फोर्टीन मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व माइनस सेवन जीरो थ्री डिवाइडेड बाई थर्टी सेवन इक्वल टू सेवन सिक्सटी सेवन हो माय गॉड बड़ा नंबर हो गया ये तो फोर्टीन इंटू ट्वेल्व करोगे तो वन फोटी फोर टू एट हाँ कैंसिल एक बार कुछ गड़बड़ कर दो तो गड़बड़ होती चली जाती है फोर टू एट टू वन टू आठ शायद हम ठीक ही कर रहे थे पता नहीं थर्टी सेवन वन हो जाएगा हाँ वन तो होगा किस से मल्टीप्लाई हो रहा है सेवन जीरो थ्री वन से हुआ फिर बारह से जा रहा है मुझको ऐसा फेल आ रहा है सेवन सिक्सटी सेवन इन दोनों को ऐड करो आठ आठ सोलह छ सात आठ सात माइनस बारह माइनस बारह ही आ रहा है ना कितना आ रहा है उन्नीस से जा रहा है रॉन्ग कैलकुलेशन सॉरी शक्तिमान यहाँ पे उन्नीस आ रहा है तो सेवन एटी सिक्स में से नाइनटीन घटाना है घटाओ भैया नाइनटीन घटाओ अब सेवन सिक्सटी सेवन आ जाएगा हाँ अब तो आ जाएगा ठीक है ऑप्शन वन ही सही है नेक्स्ट करो यार क्या चल रहा है मेरी पीठ पीछे गुड इवनिंग नजर थ्री और वन न जाने क्या क्या आंसर आ रहे हैं ये इधर आएगा वन तो बिल्कुल नहीं है थ्री भी बिल्कुल नहीं है मतलब ये भी नहीं है ऑप्शन नंबर ये है अब जानो क्यों ये वाला पोर्शन जब ये इधर आएगा ये स्टार का ऊपर जो ट्रायंगल है यहाँ पर नहीं दिख रहा ऐसा ट्रायंगल दिखना चाहिए ऐसा ऐसा सीधा कहाँ दिख रहा है टू और फोर में दिख रहा है ठीक है अब ये वाला पोर्शन ऐसे ही रहना चाहिए तो ये यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इसमें इधर कलर हो गया है ये भी कैंसिल ऑप्शन चार होगा ना एक ना तीन ठीक है ज्ञानियों चले आगे चलो नेक्स्ट गुड इवनिंग स्वीटी सेशन लाइक कर दो एक बार कितनी बार बोलना पड़ेगा ये नहीं होगा सेवन का वाटर इमेज है नहीं होगा वाई का वाटर इमेज है नहीं होगा ऑप्शन नंबर चार होगा नेक्स्ट डायग्राम गायब है छोड़ दो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ ऐसे बड़े बड़े सेशन में छोटी मोटी बात होती रहती है आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सी आ रहा है वन आ रहा है क्या आ रहा है जल्दी बताओ लास्ट <coughs> वाला चेक करते हैं प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर नेक्स्ट प्लस फोर करोगे तेरह चार सत्रह यानी कि क्यू आएगा दो ऑप्शन एलिमिनेट अब आर और क्यू डिफरेंट है एफ सी आई प्लस तीन आई से एल प्लस तीन प्लस तीन नेक्स्ट प्लस तीन होगा पंद्रह तीन अट्ठारह अट्ठारह किसकी वैल्यू होती है आर की ऑप्शन नंबर वन समझ आ रही है चीजें सेशन फटाफट फ़ड़ लाइक कर दो एक सौ ग्यारह बच्चे थे फिर भी एक सौ के ऊपर लाइक काउंट नहीं पहुंचा है नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन वर्षा वरुण बातें हो गई आप लोगों की खत्म मैं वेट कर रही हूँ कब आप लोगों की बातें खत्म होंगी अः जब छह बिंदु तल पर होता है तो शीर्ष पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी छह के विपरीत फलक बताना है बेसिकली ठीक है इसमें एक और एक कॉमन है एक से चल पड़ो अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक तीन छ है एक चार दो है छ के विपरीत दो आ रहा है तो यहाँ पर दो बिंदु आ जाएंगी छ के विपरीत ठीक है चलो बहुत बढ़िया नेक्स्ट लो भैया वरुण ने ही नंबर शेयर कर दिया वरुण इस समय सौ बच्चे हैं सौ के पास आपका नंबर जा रहा है याद रखना पता चला किसी एक से बात करने के चक्कर में सौ पीछे पड़ गए ठीक है ना उन्नीस ठीक है देखते हैं सात से ग्यारह के बीच कितने का डिफरेंस है चार का है और थर्टी वन से सोलह का है चार का अगर डालें हम तो उन्नीस आ जाएगा ऑप्शन नंबर चार आगे चेक कर लो ठीक आ रहा है ठीक है यानी कि हमारा सोचना सही था नेक्स्ट आप आर्मी में जॉब करते हैं आप पढ़ लो तो यहाँ पर आके माहौल क्यों ख़राब कर रहे हैं आर्मी वाली हरकत तो आपकी मुझे लग नहीं रही है आर्मी में होते हैं डिसिप्लिन लोग ठीक है ऐसे आके दूसरों की क्लास में लोगों को परेशान नहीं करते ऐसे नंबर वगैरह नहीं मांगते ठीक है ना पहले अगर आप आर्मी में हैं बहुत अच्छी बात है रेस्पेक्ट है आपको बट तो पहले अपनी आर्मी वाली हरकतें सुधारिए ठीक है आर्मी का नाम अगर आपके आगे लगा है तो उसकी रेस्पेक्ट करिए एटलीस्ट है ना <coughs> आपके फॉर्म का सिग्नेचर रोटेट हो गया है तो इस बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे ठीक है यहाँ क्या चल रहा है चार सात तेरह और दस है तीन छह माइनस तीन यहाँ सोलह उन्नीस छब्बीस और बाईस तीन सात ऐड हो रहा है इसी में झोल है शायद देख लेते हैं उन्नीस बाईस और दो अरे रे क्वेश्चन चेंज कर दिया हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है प्लस चार और दो छ आ रहा है यहाँ सात आ रहा है इसलिए यही अलग होगा ठीक है चलो नेक्स्ट भवानी के जी वो हम देख लेंगे हमको कितना कमेंट देखना है कितना नहीं देखना है हमारा सेशन है हम देखेंगे कितना हमको देखना है कमेंट कितना नहीं देखना है क्या ही करें देखो जिसके लिए आप इतना इंटरेस्टेड थे उसने ही पल्ला झाड़ लिया <coughs> साथ भी नहीं दिया आपका उसने अरे नहीं मैडम ऐसा ना बोलिए ऐसा तक नहीं बोली वो एकदम पल्ला झाड़ लिया आपसे माय गॉड फोर्टीन प्लस फोर मल्टीप्लाई बाई फाइव माइनस एटीन डिवाइडेड बाई टू नौ Five fours are twenty minus nine thirty-four nine minus nine twenty-five. Next. Next question, for a for answer Okay, thank you so much, uh, Lord B. कितने ट्रायंगल हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ऐसे दस ट्रायंगल हैं इनमें तीन ट्रायंगल मिलते हैं क्योंकि एक ट्रायंगल अगर दो पार्ट में डिवाइड होता है तो उसमें कुल मिलाकर तीन ट्रायंगल होते हैं तीस ये हो गए थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री टोटल थर्टी थ्री ट्राइंगल हैं ऑप्शन नंबर वन ठीक है चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक सौ उन्नीस बच्चे हैं नाइन्टी थ्री लाइक है मुझे कम से कम एक सौ पच्चीस चाहिए लाइक्स फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए स्लोली रिपीट प्लीज मैम ओके क्या रिपीट करना है रुक जाओ हाँ <coughs> क्या नाम था अगर आपको ये रिपीट करवाना था तो मैंने प्लेस वैल्यू लिखी है मैंने बताया इसका डिफरेंस छः है इसका सात है इसका छः है छः छः का डिफरेंस आ रहा है चाहिए तो यहाँ पर भी चेक कर लीजिए ये चौदह है ये बीस है दोनों के बीच छः का डिफरेंस है हर जगह छः है यहाँ सात है इसलिए ये नहीं होगा पहला रिपीट इसमें रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज कर दोगे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा इसमें मेरा कोई रोल नहीं है कैलकुलेशन करनी है वो आपको आना चाहिए ठीक है इसकी अगर मैं बात करूँ तो मैंने कहा एक ट्रायंगल में यदि दो भाग होते हैं तो उसमें कुल मिलाकर तीन ट्राइंगल होते हैं मैंने गिन लिए कितने थे दस थे दस इंटू तीन तीस कर लिए ये इकतीस बत्तीस और तैंतीस तैंतीस ट्राइंगल हो गए अब हम यहाँ पर आ गए हैं और कुछ डाउट है यहाँ पर क्या चल रहा है जे ए कॉमन है जे ओ तो लास्ट में आएगा ही ठीक है फोर लास्ट में आना चाहिए यहाँ नहीं यहाँ नहीं ठीक है अब इसमें डी है इसमें सी है सी पहले आएगा टू पहले कहाँ आ रहा है ऑप्शन नंबर चार में नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 98 लाइक हुए हैं कम से कम 125 हो जाने चाहिए सेशन एंड होने से पहले ऑल हैंस आर एग ऑल एग्ज आर बर्ड्स सम एग्ज आर लायन सम लायंस आर एग हाँ ये वाले लायन क्या है एग है सम एग्ज आर हैन हां ये वाली एग हैन है सम एग्ज आर बर्ड्स सारे ही एक्स बर्ड हैं तो कुछ एक भी बर्ड होंगे ये भी फॉलो कर रहा है सारे फॉलो कर रहे हैं ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट फटाफट आंसर करो अक्षर का कौन सा समूह उन किसानों को दर्शाता है जो रसोइए नहीं है ठीक है रसोइए किससे दर्शाया गया है सर्कल से दर्शाया गया है सर्कल वाला हमको नहीं चाहिए और क्या चाहिए हमें चाहिए किसान ठीक है किसान किससे दर्शाया गया है ट्रायंगल से ट्रायंगल में और क्या क्या है आई ए जे है तो आई ए जे कहाँ मिल रहा है ऑप्शन नंबर दो में मिल रहा है नेक्स्ट फटाफट आंसर करो ऐड करो ऐड करो ये एज इट इज नौ एक दो नौ दो दो चार और ये पाँच ठीक है सेम कोड दिया हुआ है राइट right? एम्स्टरडम का भी यही करेंगे एम्स्टरडम में क्या करना है एम्स्टरडम पहले मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए फिर उसके बाद पोजिशनल वैल्यूज़ वन थर्टीन नाइनटीन ट्वेंटी फाइव एटीन फोर वन एंड थर्टीन ये चार ये एक ये चार ये नौ ये पांच ये दो ये दस का एक आएगा और चार और एक वन फोर वन टू फाइव नाइन फोर वन फोर ऑप्शन नंबर थ्री क्लियर जिनको समझ नहीं आया उनको बताना चाहती हूं कि यहां पर आपको प्लेस वैल्यू सिर्फ ऐड करके सिंगल डिजिट लाना था ठीक है कुछ खास नहीं करना था ये आपका होमवर्क है Uh, बाकी अभी आज लास्ट डेट है ब्लॉकबस्टर सेल की जब आप एमटीएस सुपर कोचिंग पे दस के ऊपर 85 परसेंट का डिस्काउंट ले सकते हैं 449 में छः महीने की सुपर कोचिंग आपको मिल जाएगी अगर आप मेरे कूपन कोड नेहा का इस्तेमाल करेंगे ब्लॉकबस्टर सेल में आपको पठान की मूवी टिकट भी मिल जाती है अगर आप लकी विनर होते हैं तो बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं डाउट वगैरह पूछ सकते हैं पी यहीं पर मिल जाएगी आपको इस सेशन की आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं मेरे साथ यहीं पर क्विज और पोल भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना बेल आइकन प्रेस कर देना ठीक है और होमवर्क का आंसर कर देना कल डिस्कस करते हैं थर्टी फाइव में से कितने क्वेश्चन सही हुए बताना क्लास कैसी लगी ये भी बता देना ठीक है अभी क्लास एंड कर रही हूँ एक सौ पांच लाइक हुए हैं एक सौ पच्चीस की बात हुई थी फटाफट फ़ड़ सेशन को लाइक कर दो फिर सेशन एंड कर दी हूँ मैं बाय बाय एवरी वन ठीक है फटाफट फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए एक सौ पांच हुए हैं एक सौ पच्चीस चाहिए चलो ठीक है कल मिलते हैं कब मिलेंगे सुबह 11 बजे अपनी सी एच एस एल की क्लास में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन